हेलो, जय श्री राम। मैं तुल अयोध्या से। सो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राम मंदिर के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें, जिसको सुनकर आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं राम मंदिर की, तो क्या आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि राम मंदिर में उसकी सुरक्षाओं को लेकर, उसकी सिक्योरिटी को लेकर किस प्रकार से इसकी अरेंजमेंट किए गए हैं, और यह किसके अंतर्गत आते हैं, इसकी सिक्योरिटी एजेंसी कौन सी है और किसके अंतर्गत इसको लिया जाता है। तो क्या ये भी आता है आपके मन में कि राम मंदिर एक इंटरनेशनल मुद्दा था और अब वो मुद्दा पूरा हो रहा है, बन रहा है? क्या सच में आतंकियों की नज़र इस राम मंदिर के ऊपर है? तो पूरी बात हम जानते हैं वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा और चलते हैं आपको बताते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए राम मंदिर कितने एरिया में फैला हुआ है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो जागरण के रिपोर्ट के अनुसार, भाई साहब, ये राम मंदिर का एरिया जो है 108 एकड़ में होगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में इसका एरिया है, ये राम मंदिर परिसर 78 एकड़ में फैला हुआ है। तो यहीं अगर हम बात करते हैं कि राम मंदिर की सुरक्षाओं के बारे में, तो सबसे पहले आप इसको जानिए, राम मंदिर की जो सुरक्षाएं हैं ये त्रिस्तरीय सुरक्षा के अंतर्गत आता है, जिसका गठन ये सुरक्षा परिषद के अनुसार डिसाइड किया गया है। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में इसके त्रिस्तरीय सुरक्षा को लेकर हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं, इसमें किस प्रकार से, किस आधुनिक तरीकों से इसको तैयार किया गया है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस पहले नंबर पे आते हैं इसके सुरक्षा में। फिर भाई दूसरे नंबर में इसके UPSC के जो जवान हैं वो आते हैं, और तीसरी बात करते हैं तो तीसरी CRPF के अंतर्गत जो जवान हैं वो आते हैं। तो CRPF ये त्रिस्तरीय व्यवस्था इसी प्रकार से फॉलो किया जाता है, लेकिन अभी अभी एक गठन के अनुसार इसको यह तय किया गया, जो राम मंदिर की सुरक्षा है वो CISF उनके हाथ में देने वाले हैं, क्योंकि CISF जैसा कि आप देखे होंगे बड़े बड़े एयरपोर्ट वगैरह पे उनकी सुरक्षाओं को, उनके एक तरीके से उनकी फैसिलिटी को देखा जाता है, तो बहुत ही स्ट्रांगर फोर्स माने जाते हैं CRPF, जो कि भाई साहब CISF को अब दे दिया गया है। तो CISF अपना कमांड यहाँ पे रखने वाला है और बहुत जल्द अपना जो कि यहाँ का अरेंजमेंट है अपने हाथ में लेने वाला है। तो इस प्रकार से ये राम मंदिर की सुरक्षा की बात हो गई। तो भाई साहब, अगर आपके भी मन में ये लगता है कि यहाँ पे राम मंदिर के ऊपर किसी आतंकियों का नज़र हो, तो भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है कि कभी वो इस चीज़ को सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि जो कि UP गवर्नमेंट है, जो कि रूलिंग गवर्नमेंट है, वो इस प्रकार से राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दिया है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसा कि आपको अयोध्या की एक घटना याद होगा जो कि 1992 में हुआ था, जैसा कि आपको ये पता होगा कि जब हनुमानगढ़ी और ऐसे कुछ प्राचीन मंदिर पे जब बम वगैरह रखा गया था, लेकिन भाई साहब तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं बजरंग बली जी अपने अवतार में आकर उसको और यहाँ के लोगों को बचाया था। तो भाई साहब, जैसा कि पता है कि अगर सबके मन में भक्ति और श्रद्धा है, तो भी किसी भक्तों के लिए और भाई यहाँ के लोगों के लिए कभी भी समस्या नहीं होने वाली है और नहीं आने वाली है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगर हम बात करते हैं राम मंदिर की व्यवस्थाओं को, किस प्रकार से अरेंज किया जा रहा है और यहाँ पे कितने भक्त जो कि पर डे दर्शन कर सकते हैं, तो ये भी जानकारी आपके लिए सबसे नवीनतम जानकारी है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर बात करते हैं एक दिन में कितने भक्तगण राम मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं, तो दोस्तों ये 1 से 2 लाख लोग एक दिन में राम मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आपको यह भी पता होना चाहिए, राम मंदिर के जो कि ओपनिंग की तिथि वो डिसाइड कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, डिसाइड की जो तिथि है वो 22 जनवरी है, और इससे पहले पहले राम मंदिर के अलावा जितने भी प्रोजेक्ट अयोध्या में चल रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अयोध्या का रेलवे स्टेशन, वो 90% कम्प्लीट हो चुका, और भाई साहब
दूसरा बात करते हैं अयोध्या का एयरपोर्ट, ये भी भाई साहब 70-75% कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ साथ जो प्रेजेंट टाइम का काम राम मंदिर का है, ये भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये काम राम मंदिर का इसलिए बहुत तेज़ी से किया जा रहा है क्योंकि समय अब बहुत कम है। जैसा कि आपको बताना चाहते हैं, राम मंदिर के अंदर का जो काम है वो फर्स्ट फ्लोर का पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और सिंह द्वार का भी निर्माण बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। बस सिंह द्वार के ऊपर आपको जो कि पताका, झंडे और कलश लगना बाकी है। और इसके साथ साथ दूसरे फ्लोर का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये भी कंप्लीट होने ही वाला है। अगर बात करते हैं हम प्रांगण की बात करते हैं, इसके साइड साइड में जो कि पिलर हैं उसको भी तैयार कर दिया गया और पिलर के ऊपर से अच्छी अच्छी नक्काशियाँ कर दी गई हैं जो कि आपके मनमोहक दृश्य कायम करेगा। और इसके साथ साथ आप जैसे ही राम मंदिर के अंदर जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस पहले से ही जारी किया गया है। वहाँ पे आप जाने से पहले आपको इलेक्ट्रिक गैजेट वगैरह, जो भी मोबाइल फ़ोन कैमरा, आपको बाहर ही जमा करके जाना होगा। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ के सामने के जो दृश्य है आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। जैसा कि हमने बात की, ये सिंह द्वार है, ये सिंह द्वार आप अपनी आँखों से देखिए, लगभग कम्प्लीट हो चुका। बस ऊपर के भाग का इसका जो काम है वो कंप्लीट होने वाला है। और जो कि गर्भगृह के बाद किया जाए, तो गर्भगृह के बाद यह है कि वो भी अंदर से कंप्लीट कर दिया गया और फ्लोरिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। फ्लोरिंग आपके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, फ्लोरिंग एक ऐसी विधि है जो कि फर्श पे अच्छी से अच्छी नक्काशी की जाती है, उसको फ्लोरिंग बोलते हैं। तो इसी प्रकार से गर्भगृह का भी काम कंप्लीट हो चुका है और जो कि रामलला की मूर्ति है जो कि गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा, उस मूर्ति को 22 नवंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको ये भी पता है कि शालिग्राम शिला से प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बनाई जा रही है, तो भाई साहब प्रेजेंट टाइम में अभी उससे काम नहीं चल रहा है, हो सके कुछ मूर्तियाँ उससे भी बनाई जाए। तो ये है राम मंदिर का सबसे लेटेस्ट और नवीनतम अपडेट। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।